आज मैं एक ऐसा किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद सफलता और असफलता का कंसेप्ट आपका हिल जाएगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, यार पाटनी साहब 20 साल हो गया बिजनेस कोचिंग करते हुए, कोई तो ऐसा यादगार मोमेंट होगा जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। और जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ मुझे एक इवेंट याद आ जाती है। एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे बुलाया, लगभग 300-350 स्टाफ वहाँ पर ऑडियंस के रूप में थे। वहाँ पर अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। आप बोलेंगे ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, हर कंपनी में होता है। नहीं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने कहीं नहीं देखा होगा और कहीं नहीं सुना होगा। वो पार्टी थी द पार्टी ऑफ फेलिंग। ये कौन सी पार्टी हुई भाई? उनका कहना था कि पिछले 3 साल हमने एक प्रोजेक्ट में जम के मेहनत की, हमारे एक एक मेंबर ने न दिन देखा न रात देखा, हमने हर नई चीज सीखी, हमने हर नया प्रयोग किया। कोई भी आदमी जो दुनिया में कुछ भी कर सकता था वो हमने किया। कुछ सरकारी नीतियों में चेंज की वजह से जब हमारा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली मार्केट में आने वाला था उसी वक्त वो बंद हो गया। मैंने बोला फिर? उसने कहा मेरी टीम ने 3 साल मेहनत में कोई कमी नहीं की, सबने अपना घर परिवार सुख एक साइड रख दिया और सिर्फ इस प्रोजेक्ट में अपनी जान लगा दी। तो यदि सरकार ने कोई नीति बदल दी तो क्या इसमें हमारी गलती है? क्या इसमें मेरी टीम की गलती है? हमने अपना 100% दिया। तो पटनी साहब, हम द पार्टी ऑफ फेलियर सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये अलग किस्म का फेलियर था। ये फेलियर विथ 100% एफर्ट्स था, ये फेलियर विथ 100% कमिटमेंट था, ये फेलियर विथ 100% डेडिकेशन था, ये फेलियर विथ एवरी स्टोन टर्न था। तो ऐसा फेलियर भी सेलिब्रेट होना चाहिए। तो अगली बार जब आपके घर में कोई यूथ पूरी जान झोंकने के बाद भी असफल हो जाए ना, उसको उलहाना मत देना, उसको कोसना मत, उसको बहुत ज्यादा कंपेयर क्रिटिसाइज मत करना, उसके दोस्तों को बुलाना और पार्टी थ्रो करना। ये कहना मेरे बच्चे ने जान लगा दी, ये जितना कर सकता था उतना इसने किया है और इस साल फेल हुआ तो क्या हुआ, अगले साल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जरूर निकालेगा। जब कोई स्टाफ किसी चीज में अपनी पूरी जान लगा दे और उसके बाद भी वो नहीं हो पाए ना तो वो भी उतने ही मायूस होते हैं। और ऐसे में हमारी डांट, हमारा क्रिटिसिज्म, हमारा प्रमोशंस को रोकना, सैलरीज को डिडक्ट करना, ये उनके मनोबल को और डाउन करता है और अगली बार वो बड़े प्रोजेक्ट्स लेने से डरते हैं, अगली बार वो ट्राई करने से डरते हैं। इसकी जगह जो आपके यहाँ प्रयोग कर रहा है ना, उस प्रयोग करने वाले को फेल होने पर भी उसकी पीठ थपथपाइए, उसको अवार्ड दीजिए। जो आपके यहाँ ट्राई कर रहा है ना, वो ट्राई करने के बाद फेल हो गया तो भी उसके लिए आप 4 तालियां बजाइए। इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में फेल होने का कल्चर पैदा होगा, क्योंकि जहां पर फेलियर्स होंगे ना वहीं पर सक्सेस भी होगा। यदि कोई ये कह दे मैं कभी असफल नहीं हुआ तो मैं ये कहता हूं उसका साथ तुरंत छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उसने कभी ट्राई भी नहीं किया। हम आज के युग में किसको यूथ आइकन मानते हैं? इलॉन मस्क को मानते हैं। जब इलॉन मस्क ने पहला रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया पूरी दुनिया हंसी थी और बहुत सीमित संसाधन थे उनके पास। धीरे धीरे 1 ट्रायल 2 ट्रायल 10 ट्रायल 50 ट्रायल उनके साधन खत्म होते चले गए, लेकिन उनको खुद पे भरोसा था, उनको अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा था और उनकी टीम को उन पर भरोसा था और उनको अपनी टीम पर भरोसा था। और वो करते चले गए और फाइनली वो हुआ जिसके लिए आज सारी दुनिया उनको सलाम कर रही है। आज उनके रॉकेट स्पेस में जाते हैं और लौट के आके ऐसे पार्किंग में खड़े हो जाते हैं मानो गाड़ियां खड़ी हो गई। और जिस नासा के लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था, आज वही नासा अपने सैटेलाइट्स के लिए उनकी मदद ले रही है। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा कल्चर क्या है? द कल्चर टू रेस्पेक्ट फेलियर। आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपने पूरा ट्राई कर लिया फेल हो गए, पीठ थपथपाइए। यदि आपकी टीम ने पूरा ट्राई कर लिया फेल हो गए, उनको रिवॉर्ड अवार्ड दीजिए। यदि आपने पूरा ट्राई कर लिया, पूरी जान लगा दी, उसके बाद आप फेल हो गए तो भी घर जाके डिप्रेशन में मत बैठिए, अपनी क्षमताओं पर संदेह मत करिए। उस वक्त लोग क्या बोलते हैं उन पे ध्यान मत दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा को एक बात पता है, मैंने पूरी ताकत लगाई है या नहीं लगाई। और याद रखिए, दुनिया में एक भी अचीवर आपको ऐसा नहीं मिल सकता जो फेल नहीं हुआ, लेकिन हर अचीवर फेल होने के बाद एक काम कॉमनली करता है, वो उससे सीख कर वापिस उठ खड़ा होता है और औसत उसी फेलियर में दब के डूब के रह जाता है। तो आपसे एक बड़ा सवाल,
क्या अगली बार आप फेल होने पे सेलिब्रेट कर पाएंगे? क्या आप अपने टीम मेंबर के फेल होने पर उसको रिवार्ड दे पाएंगे? और क्या आप खुद के फेल होने पर खुद की पीठ थपथपा पाएंगे? क्योंकि यदि ये आपने करना शुरू कर दिया तो आप अचीवर्स की कैटेगरी में आ गए। और जोरदार तालियों से मैं आपका इस कैटेगरी में स्वागत करता हूँ। लेट्स सेलिब्रेट फेलिंग।